समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। देश भर में वाटर वुमेन के नाम से मशहूर MBA पास शिप्रा पाठक अयोध्या से रामेश्वरम के लिए पद यात्रा के लिए निकल चुकी है। हाथ में लाठी और साथ में 10-12 लोग बिल्कुल प्रज्ञा साधनी जैसी वेशभूषा कर वो करीब 4,200 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की ओर रामेश्वरम के लिए निकल पड़ी है। जो होता है वो पद यात्राओं का अभ्यस्त होता है, तो बहुत सुंदर ये सफर है, पूरा मार्ग बहुत सुंदर है। अयोध्या से रामेश्वरम की ये यात्रा है जो 4,000 किलोमीटर की है और इसमें हम श्री राम जानकी वनगमन मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रभु राम ने अपने वनवास के दौरान जानकी जी के साथ प्रवास किया है, उन स्थानों का हम भ्रमण और चरण पूजन करते हुए चल रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो मुझे लगेगा कि मेरा उत्तर होना चाहिए लगभग पूरा भारत ही चल पड़ा है। समाज का आशीर्वाद मिला हुआ है, जगह जगह हम आश्रम की सभ्यताओं में रुक रहे हैं, मंदिरों में रुक रहे हैं, गौशालाओं में, धर्मशालाओं में रुक रहे हैं। संत समाज के आशीर्वाद के साथ साथ लगभग सभी वर्ग, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, लगभग कहना चाहिए हर राम भक्त इस यात्रा का सहभागी हो गया है। 5-7 लोग इस यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए हैं, पिताजी माताजी भी साथ में हैं, भैया भी साथ में है, क्योंकि राम में ये अवसर जो मिला है उसे परिवार भी अब छोड़ना नहीं चाह रहा है। और इस यात्रा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक तो भारत के जंगल और नदियाँ अब संरक्षित होने चाहिए, तो इसका एक अलग जगाते हुए मैं चल रही हूँ, और दूसरा जानकी जी के तत्व की स्थापना अब नई पीढ़ी में होनी चाहिए। हमारे आदर्श में हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जिन पे बहुत वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, बल्कि मुझे लगता है कि जानकी जी जो हैं वो बहुत अच्छा आदर्श हैं, अगर हम उन्हें आज की पीढ़ी को ये समझा पाएँ और उस तत्व की हम स्थापना करें। देश भर में पानी के बढ़ते प्रदूषण को देखकर नदी और जंगलों का संरक्षण इसी एकमात्र उद्देश्य को लेकर वो अयोध्या के लिए निकल चुकी है। शहर के रेशमबाग ग्राउंड के पास उनका भक्तिमय माहौल में स्वागत किया गया। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भूंगाड़ी, शंखनाथ न्यूज नाउ। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारचे जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान। आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे। मग वाट कोणाची बघताय? आताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर। संपर्क साधा 86 05 24 50 80, लँडलाईन नंबर 07 12 25 67 74 7।